आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों एमएस पेंट की सेकंड क्लास, जिसमें दोस्तों हम लोग सीखेंगे एक अलग तरीके की डिजाइन बनाना। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने कुछ इस तरीके से एक सर्किल अपने पास ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमने दोस्तों शिफ्ट दबाया और एक सीधी यहाँ पे लाइन को एक ड्रॉ कर लिया। शिफ्ट की मदद से आप दोस्तों बिल्कुल सीधी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको डिजाइन तो आपने दोस्तों यहाँ पे लाइन तो एक बॉर्डर बना दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें दोस्तों यहाँ पर बनाना है एक अपने पास हर्ट। तो हमने दोस्तों यहाँ पर एक शेप ले ली कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों हमने एक ये ट्रायंगल वाली शेप ले ली और इस ट्रायंगल को हम दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे अपने पास। आप चाहो तो इसको अगर इधर उधर हो जाए तो आप दोस्तों कीबोर्ड की मदद से इसको इधर उधर सरका सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से फिर एक लाइन खींचनी है शिफ्ट दबा के। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और दोस्तों यहाँ से इस लाइन को हमने यहाँ पर मिला दिया। अब यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ पर हम मिला देंगे। अब दोस्तों यहाँ से ये एक लाइन देंगे, यहाँ से ये एक लाइन देंगे और यहाँ से ये एक लाइन देंगे। तो कुछ इस तरीके की डिजाइन हमारे सामने क्रिएट होगी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से लेना है एक ब्रश। हमने ब्रश को ले लिया, यहाँ से क्लिक करके ब्रश की लाइन को थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें एक पेड़ बनाना है, तो हम दोस्तों एक पेड़ का तना बना लेते हैं पहले कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पेड़ को राउंडिंग देनी है, तो कुछ अपने हिसाब से यहाँ पर हम एक राउंडिंग बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हम दोस्तों घास के हिसाब से बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ हम घास के हिसाब से यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों थोड़ी सी डिजाइन हमारी यहाँ बाहर हो गई है, तो हम इसको यहाँ से मिटाल देते हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ऊपर की तरफ सूरज भी निकले, तो हमने यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी इसकी डिजाइन को लुक वाइज और अच्छी बनाने के लिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा, हम यहाँ दोस्तों फिर से ब्रश को लेते हैं और यहाँ से दोस्तों हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक सूरज चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक सूरज ले लिया और सूरज को उठा के यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। इसके साइज को छोटा बड़ा करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एमएस पेंट के अंदर दोस्तों बहुत ही कमाल की डिजाइन आपके सामने बनेगी। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग लेंगे एक लाइन, शिफ्ट दबा के एक सीधी लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको शिफ्ट दबा के ही लाइनों को खींचना है, ताकि आपकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी ना जाएं और बिल्कुल एक्यूरेट फ्रेम में आपके सामने आ जाएं। अब दोस्तों हम शिफ्ट दबा के यहाँ से सीधी फिर से लाइन खींचते हैं, फिर हमने यहाँ से ये लाइन यहाँ खींच दी। इसी तरीके से हम यहाँ दोस्तों कुछ ब्लॉक्स बनाएंगे, जैसे कि हमारी ईंटों की डिजाइन होती है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कलरिंग करनी है, तो हम दोस्तों यहाँ पर कलर कर लेते हैं। पहले हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यहाँ पर आसमान का कलर देना है, तो हम यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं और सूरज के अंदर दे देते हैं यहाँ पर येलो कलर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डार्क ब्लू कर देते हैं। इसके बाद हमें दोस्तों नीचे आसमान में करना है, तो यहाँ से हम ये वाला कलर ले लेते हैं। इसके बाद ये हमारी घास है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर घास के लिए कलर दे देते हैं, तो ये हमारी घास आ गई। घास के बाद हमें दोस्तों अपने घर में कलर देना है, तो हम दोस्तों घर में कलर देने के लिए यहाँ से ले लेते हैं येलो कलर, तो हमने यहाँ पे येलो कलर दे दिया। अब दोस्तों ये येलो है और ये भी येलो है, इस येलो में थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हम एडिट कलर पे गए, थोड़ा सा इसके कलर को चेंज करेंगे एंड ओके। इसी तरीके से हमें दोस्तों ऊपर रेड देना है, तो हमने रेड दिया। अब इसके रेड में क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हम थोड़े से रेड में भी चेंजेस कर देंगे एंड ओके। तो यहाँ पर हमने रेड में चेंजेस कर दिया। अब दोस्तों ये इसकी बाउंड्री है, तो दोस्तों बाउंड्री में भी आप कोई भी एक कलर दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सपोज देन हम ये ग्रे कलर दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ के कलर में भी चेंजेस करना है, तो हम एडिट में गए, थोड़ा सा कलर को नीचे ड्रॉ कर देंगे और दोस्तों यहाँ के कलर में भी चेंज कर देंगे, ताकि थोड़ी सी 3D स्टाइल में हमारी डिजाइन बन जाए। यहाँ से हमने दोस्तों ब्राउन कलर ले लिया इसके पेड़ के तने में डालने के लिए। ये दोस्तों घास का आ रहा है, हमने दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कलर दे दिया। अब दोस्तों नीचे की तरफ हमें यहाँ पर सेक्शंस बनाने हैं, तो दोस्तों इसके सेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों डार्क ग्रे कलर ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास लाइन्स रह गई, तो हम दोस्तों यहाँ पर लाइन्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों हम दोबारा से यहाँ से कलर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना कलर डाल देते हैं।
यहाँ से हम रेड ले लेते हैं डार्क, और इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पर रेड कलर दे देते हैं। कोई भी कलर दोस्तों अगर आपसे गलती से कलर हो जाए तो दोस्तों आप कंट्रोल जेड करके उस कलर को वहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं। और यहाँ से हमने दोस्तों इसके अंदर ये एक कलर दे दिया। अब दोस्तों हमें इसके बैकग्राउंड में कोई कलर छोड़ना है तो यहाँ से क्लिक कर कोई भी कलर छोड़ सकते हैं। यहाँ से मैं दोस्तों अब क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा और रेक्टेंगल लेके दोस्तों यहाँ पर एक बॉर्डर बनाऊँगा जो दोस्तों इसके गेट के लिए होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे हम एक गेट। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सामने एक एमएस पेंट के अंदर एक खूबसूरत सी डिजाइन बनके तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों आपको और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें।